राजस्थान में बच्चा चोरी की घटनाओं को लेकर आम जन में जहां भय का माहौल बन गया, वहीं इन घटनाओं ने पुलिस विभाग की नींद उड़ा दी। जिस तरह से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिला अस्पतालों में बच्चा चोरी की घटना हुई, हालांकि सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करके बच्चे को पुनः माता पिता को सौंपा। वहीं जिलों की नगरी उदयपुर में ऐसी ही घटना एक पार्क में हुई, जहां पर एक बच्चे को चोरी किया गया। पुलिस ने इस पर भी तत्परता दिखाई और पुनः उस बच्चे को माता पिता को सौंपा। लेकिन आम जन का कर्तव्य भी होता है कि वो अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में वो पूरी तरह से तत्पर रहे। ऐसी कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो तुरंत पुलिस को सूचित करें। किस तरह से घटना हुई, पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की और आम जन के लिए आईजी सत्यवीर सिंह ने किस तरह से अपील की, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। बच्चा चोरी और गायब होने की घटना राजस्थान के 3 जिलों में हुई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। इसके चलते पुलिस विभाग पूरा हरकत में आया और खुद आईजी ने इसकी मॉनिटरिंग की। जिस तरह से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अस्पतालों में बच्चा चोरी की घटना हुई और फिर उसके बाद उदयपुर में ऐसी ही घटना हुई, लगातार एक के बाद एक घटना का होना पुलिस अधिकारियों के एक बार की तो हाथ पैर फूले, लेकिन तुरंत कार्रवाई करते हुए काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की। कहना है आईजी सत्यवीर सिंह का? जी सर, क्या कहना है आपका? कल डूंगरपुर के हॉस्पिटल से एक 4 दिन का नवजात शिशु, कोई महिला अस्पताल में दाखिल होती है और उसको लेकर के एक और पुरुष सदस्य की सहायता से स्कूटी पर लेकर रवाना हो जाते हैं। दूसरी घटना बांसवाड़ा में, एक दिन पहले एक महिला गांव में जाती है नर्स की पोशाक में और ये कहती है कि बच्चे को वैक्सीनेशन करवाना है, इसलिए आप अस्पताल में लेके आए। वो अस्पताल में वो बच्चे को लेके पहुंचती है और ये कहकर के कि मैं आपके बच्चे को इंजेक्शन लगवा के ला रही हूँ, और वो लेके गायब हो जाती है। तीसरा, आज उदयपुर में पार्क में खेलते हुए बच्चे को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे लेके जाता है और उसके बाद में इनकी सरगर्मी से सभी की तलाश की जाती है। उदयपुर की घटना के तुरंत बाद में एसपी उदयपुर और मैं भी तत्काल मौके पे पहुंचा और इन चीज़ों का पता किया। तो ये एक वहीं पार्क के अंदर ये घूमते थे और इन्होंने उस बच्चे को एक तरह से गुमराह करके और लालच दे करके और इसको लेके गए थे। उसको थोड़ी देर बाद ही हमने रिकवर कर लिया था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून कार्रवाई की जा रही है। डूंगरपुर में जो बच्चा गायब हुआ था 4 दिन का, उस बच्चे को हमने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल चीज़ों के आधार पर अपने सूचना तंत्र को विकसित करके हमने उस तय तक पहुंच गए। उस बच्चे को हमने रिकवर कर लिया है और उसको अस्पताल में दाखिल कराने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। तीसरा, अभी बांसवाड़ा की जो घटना है उसमें भी हमें महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और हम जल्द ही बच्चे को रिकवर कर लेंगे। इसलिए पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। मैं लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि वो बिना वजह किसी तरह की इस प्रकार की अफवाह या किसी और में नहीं आए। ये ज़रूरी है कि किसी भी घटना के बारे में, न केवल बच्चा चोर के मामले में हो, अपने आसपास घटित होने वाली संपूर्ण घटनाओं, अजनबी लोगों के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। कोई भी संदिग्ध किसी भी स्थिति में नजर आए, हमें तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले कोई बच्चा चोर से ताल्लुक कोई घटनाओं से नहीं होता। हमारे आसपास होने वाली चोरी, नकबजनी और संदिग्ध घटनाएँ और जासूसी की घटनाएँ और विभिन्न प्रकार की तस्करी की घटनाएँ, जो भी जो आपराधिक कृत्य करते हैं, जो गैरकानूनी काम करते हैं, ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में हमें, प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो उसको, उसके बारे में स्थानीय पुलिस को तत्काल सूचना दे, जिससे कि उसका निवारण हो सके। उदयपुर में कैसे हुई घटना
और पुलिस ने क्या उस पर कार्रवाई की, जानिए पुलिस अधिकारी से। सवेरे लगभग 9:30 बजे करीब पुलिस को इतला मिली थी कि RSMM का पार्क है यहाँ सेक्टर 14 में। यहाँ पर पार्क के अंदर ही कोई माली का काम करता है एक परिवार, देवीलाल मेघवाल करके हैं। उनके बच्चे वो कोई दंपति, एक महिला और एक पुरुष, स्कूटी पर उठाकर ले गए हैं, ऐसी पुलिस को इतना मिली थी। तुरंत मौके पर सभी थाने से अधिकारीगण और आला अधिकारीगण, SP साहब, IG साहब सभी मौके पर पहुँचे और सघन तलाश प्रारंभ की गई, नाकाबंदी प्रारंभ करवाई गई पूरे शहर में। और पुलिस की तलाश के दौरान ही उसी क्षेत्र के अंदर स्कूटी पर उसी जो लिया बताया गया था एक व्यक्ति एक बच्चे को लेकर आता हुआ दिखा। पुलिस जाब्ता ने तुरंत मुस्तैदी से उसको डिटेन किया और पूछताछ के लिए थाने पर लाए। परिजन आए उनके और रिपोर्ट दे रहे हैं, उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। बच्चे को कहाँ ले गया था सर? अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसने ये बताया है कि उसके भतीजे से इसकी शक्ल मिलती थी, उस हिसाब से ये अपने घर पर ही ले गया। चॉकलेट्स और अंगूर वगैरह भी दिलाने की बात बताई है इसने। और बच्चे के जो एक बहन और एक भाई और हैं, उसको इन्होंने कुछ कपड़े थे जो वो दिए कि आप लोग ये कपड़े पहनिए और तब तक मैं इसको घुमा के लाऊंगा। वो अंदर गए कपड़े बदलने के लिए, इतने के अंदर ये उठा कर ले गया उसको। सर प्रार्थी क्या काम करता है? प्रार्थी उसी RSMM के पार्क के अंदर माली का काम करता है, वहीं रह रहा है पार्क के अंदर ही और वहीं देखभाल वगैरह कर रहा है। सर, ये दंपति रोज पार्क में जाता है? ये प्रारंभिक पूछताछ में यही सामने आया कि वो काफ़ी टाइम से वहाँ पर पार्क के अंदर घूमने के लिए आ रहे थे। रेगुलर तो नहीं, लेकिन कुछ एक दिन के अंतराल में आ रहे थे वहाँ पर। जी।